हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा कि दोस्तों आप किस तरह से अपने मोबाइल में पुराने से भी पुराने जो फोटो होती है दोस्तों, वो आप अपने मोबाइल में किस तरह से हमेशा के लिए दोस्तों डाउनलोड करके रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हमेशा के लिए आप अपने मोबाइल में दोस्तों जितनी भी कितनी भी पुरानी हो, या दोस्तों कितनी भी फोटोज या फिर आपकी वीडियो जो दोस्तों हमेशा के लिए आप सेव करके रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे दोस्तों आप अपनी फोटोज या वीडियोज को हमेशा के लिए डाउनलोड करके रख सकते हो। जी दोस्तों, वो ऐप भी दोस्तों आपके अपने मोबाइल में ही मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का दोस्तों अगर मोबाइल होता है तो दोस्तों वो ऐप आपको अपने मोबाइल के अंदर ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो आपके पास रियलमी, रेडमी, एम आई या किसी एक्स वाई जेड दोस्तों अगर किसी का भी दोस्तों आपके मोबाइल में दोस्तों वो ऐप मिल जाएगा। जी दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा ऐप है और आपको दोस्तों किस तरह से अपने फोन में वो फोटोज वीडियोज वगैरह अपलोड करनी है। दोस्तों चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में दोस्तों जो फोटोज वाला ऐप है दोस्तों, जो आपको दिख रहा होगा मेरे फोन स्क्रीन में देखिए दोस्तों, बीच वाला जो ऑप्शन आया दोस्तों फोटोज का, वो वाला ऐप दोस्तों आपके आपके मोबाइल में सिंपली दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों, यही दोस्तों वो ऐप होता है जिससे आप अपने सारे फोटोज वीडियो को अपलोड कर सकते हो। जी दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से दोस्तों आपको इस ऐप में अपनी फोटोज और वीडियो हमेशा के लिए दोस्तों अपलोड करनी है। अगर आपको दूसरा मोबाइल भी ले लिया या दोस्तों आपने कुछ भी अगर आप मोबाइल में कुछ भी हो जाता है तो दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आप कितनी से पुरानी पुरानी फोटो दोस्तों वापस ला सकते हो। जो फोटो दोस्तों आप अपने इस ऐप में अपलोड करोगे वो फोटो दोस्तों आपको वापस भी ले सकते हो। जी दोस्तों, तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको ये फोटोज डाउनलोड करनी है, किस तरह से आपको यहाँ पे सेव करनी है। लेकिन दोस्तों, अरे उससे पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को दिल से यार सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को दिल से लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले वो अपना फोटोज वाला ऐप है वो ऐसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, आप जैसे ही अपने फोटोज वाले ऐप को ओपन करते हो तो गाइस देखिए, आपको जो भी आपने अपनी गैलरी में दोस्तों जो अपने मोबाइल में जो आपने जो फोटो या वीडियो खींच रखी है दोस्तों, आपने जो भी फोटो वीडियो आपकी गैलरी में होती है वो सारी आपके इस फोटोज वाले ऐप में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी। जी दोस्तों, जो भी आपकी फोटोज वीडियो होती है वो आपको इस आपके इस फोटोज में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों एक दो दो तीन फोटो खींच के भी दिखा देता हूँ और किस तरह से आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे आपके सामने ही अभी दो तीन फोटो या फिर आपके सामने क्लिप करके दोस्तों खींच के दिखा देता हूँ दोस्तों कि किस तरह से आपको अपने फ़ोन में अपलोड भी करनी है। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो दोस्तों मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ अभी दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, यहाँ से मैं बैग जाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे मेरी गैलरी में जाता हूँ। जी दोस्तों देखिए, जो मैंने यहाँ से फोटो क्लिक करी थी दोस्तों, ये देखिए मैंने अभी चार फोटो खींची थी, वो दोस्तों यहाँ पे मेरे मोबाइल स्क्रीन में दोस्तों दिख रही है। जी दोस्तों, ये देखिए वो फोटो है जो अभी दोस्तों मैंने यहाँ से खींची थी। लेकिन दोस्तों अब लेकिन दोस्तों अब ये देखते हैं कि दोस्तों ये फोटो उस गैलरी में जो फोटोज वाले ऐप में गई है या नहीं गई है। तो दोस्तों आपको वही सिंपली अपना फोटोज वाला ऐप खोल लेना है। देखिए दोस्तों, तो ये जो मैं अभी गैलरी में फोटो खींची थी दोस्तों, जब कैमरे से भी जो मैंने फोटो खींची थी वो दोस्तों यहाँ पे मेरे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल गई है। दोस्तों ये देखो, सारी फोटोज दोस्तों यहाँ मेरी फोटोज में आ गई है। तो दोस्तों आपको जो भी आपकी पर्सनली आप दोस्तों जो भी आपको फोटोज अपलोड करनी है तो दोस्तों आपको सिंपली उस वाले फोटो पर क्लिक कर देना अपने फोटोज वाले ऐप के अंदर। और दोस्तों देखिए, आपको ऊपर कॉर्नर में दोस्तों अपलोड वाला ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, जो ऊपर दोस्तों होता है अपलोड वाला ऑप्शन दोस्तों, जो कि एरो का चिन्ह ऐसा करके ऐसा मंडा हुआ दोस्तों बना हुआ आपको दिख जाएगा, उस वाले दोस्तों आपको क्लिक कर देना। दोस्तों देखिए, आपको जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो दोस्तों ऑटोमेटिकली अपडेटिंग का नाम आ रहा है दोस्तों, यानी ऑटोमेटिकली अपने ऐप के अंदर दोस्तों अपलोड हो रही है बिल्कुल नॉर्मली। तो सिंपल काम है दोस्तों, आपको अपलोड वाले पे क्लिक करना दोस्तों, आपको ऑटोमेटिकली ये फोटो अपलोड होने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे इस तरह आप सारी फोटोज अपलोड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये फोटो इस पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, जो भी दोस्तों आपके फोन में अपलोड फोटो हो जाएगी उस पर दोस्तों ये ऑटोमेटिकली अपलोड वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो आप इस तरह से मालूम भी कर सकते हो दोस्तों कि आपको आपकी कौन सी वाली फोटो अपलोड हो चुकी है और कौन सी वाली अपलोड नहीं हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों अभी दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों ऊपर जो अपलोड वाला वो जो निशान था दोस्तों वो यहाँ से हट गया है, जैसा कि दोस्तों इस दूसरी वाली फोटो में अपलोड वाला निशान दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आपको एक साथ दोस्तों सारी फोटो किस तरह अपलोड करनी है। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे उनके ऊपर प्रेस करना है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आपको प्रेस कर देना है। और दोस्तों सिंपली यहाँ पे दोस्तों बैकअप वाला नीचे दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा आपको नीचे स्क्रीन में दोस्तों, देखिए बैकअप, इस पर दोस्तों क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, मेरे स्क्रीन में दिखा रहा है कि मेरे फोटोज अपलोड हो रही है दोस्तों, तीन फोटो दोस्तों अपलोड हो रही है दिखा रहा है दोस्तों। इसे तो अब दोस्तों आप फोटो पे अपलोड करोगे दोस्तों, उस पर इसे स्टार वाला चिन्ह दिखेगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए, इस पर भी अपलोड वाला चिन्ह आ रहा है, इस पर भी अपलोड वाला चिन्ह आ रहा है। उसके बाद दोस्तों इन पे जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो इनके ऊपर से दोस्तों अपलोड वाला चिन्ह भी
हट जाएगा। दोस्तों चलिए इस तरह से दोस्तों आप अपने फोटोज में फोटोज सेव कर सकते हो और दोस्तों हमेशा के लिए यहाँ पे सेव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सेव किस में करनी है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ से आपको ऊपर जो दोस्तों अपनी दोस्तों आईडी होती है उस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों जो आपकी जीमेल आईडी होती है उसी में दोस्तों ये फोटो अपलोड होगी। हाँ जी दोस्तों आपको ये बात बता दूं मैं, जैसा कि दोस्तों आपकी यहाँ जीमेल आईडी होगी उसी में दोस्तों अपलोड होगी ये। जैसा कि अगर आपको दूसरा मोबाइल लेते हो तो दोस्तों इस फोटोज में आपको जो जो आपने ये ईमेल आईडी लगा रखी है जीमेल आईडी, आपको दूसरे दूसरे मोबाइल में फोटोज के अंदर ये जीमेल आईडी अगर लगा दोगे दोस्तों ये सारी फोटोज आपकी जो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपकी सारी फोटो वापस आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे अपनों एक ये जो ऐप होता है वो एक्सपीरियंस भी दिखाता है, जैसा कि मैं आपको तो बता दूँ दोस्तों ये देखिए ऊपर जो कॉलर में जो दोस्तों मेरी 5 साल पुरानी 4 साल पुरानी फोटो है ये दोस्तों मेरे यहाँ शो कर रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ रिसीव द मोमेंट, देखिए दोस्तों ये मेरी फोटो है दोस्तों 2022 की 28 फरवरी 2022 की ये फोटो है दोस्तों मेरी फूलों की। दोस्तों ये देखिए ये जो भी मैंने पुरानी फोटो खींच रखी है दोस्तों ये सारी मेरे यहाँ पे शो कर रहा है, यानी मैं जैसे 1 साल बाद में दोस्तों अपने आप दिखाता है कि आपको इस साल का इस फोटो का आपको 1 साल हो चुका है। ये देखिए दोस्तों ये मेरी फूलों की 2021 की फोटो है दोस्तों, ये मेरे ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है, दिखा रहा है मेरे को दोस्तों की ये मेरी फोटो इतनी पुरानी है। दोस्तों यहाँ से आपको सारी फोटो ये दिखा देगा कि दोस्तों आपकी फोटो कितनी पुरानी है, कहाँ से दोस्तों कितनी पुरानी फोटो है, कब की पुरानी तारीख वगैरह सब नीचे दिखा देगा दिखा देगा दोस्तों। ये देखिए 21 जुलाई 2021 की ये मेरी फोटो जो मुझे दिखा रहा है दोस्तों। इसका इस तरह से दोस्तों आप जितनी आपकी जो भी फोटो होगी वो दोस्तों आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली सारी फोटोज दिखा देगा। और दोस्तों आपको यहाँ जो भी आपकी गैलरी में फोटोज होगी दोस्तों आप उनके ऊपर सिंपली यहाँ से क्लिक करके दोस्तों प्रेस करके दोस्तों यहाँ से सीधा अपलोड वाले पर क्लिक करके दोस्तों आपको आप लोग यहाँ से सीधा अपलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप अपने जो भी फोटो या वीडियो की दोस्तों वीडियो भी इस तरह से ही आपको सिंपली अपलोड कर उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ हमारी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी मिली होगी तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।